two coaches of the Indore Jabalpur Overnight Express have derailed in the Jabalpur in Madhya Pradesh in early morning, as per an official, adding that there have been no injuries or deaths reported in this case. The derailment has taken place at around 5:50 a.m., around 150 meters from the platform at Jabalpur railway station. The reason for the train's derailment is not clear as of now. Further details into the death are still awaited on this incident. Meanwhile, the CPRO of the West Bengal, the Harshit Srivastava, has issued a statement on the incident and gave us more details. Now let's listen in. आने वाली ट्रेन थी जो जबलपुर जा रही थी 22191 इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस, या जैसे ही जबलपुर प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर जा रही थी तब बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड स्टॉप स्पीड पे थी, तब यहाँ डरेल हुई है। इसके दो डिब्बे जो शुरू में लगे थे वह डरेल हुए हैं एवं क्योंकि गाड़ी डेड स्टॉप स्पीड पे थी तो किसी भी यात्री को कोई हानि नहीं हुई है। सभी सुरक्षित हैं, सब अपने घर की ओर रवाना भी हो चुके हैं एवं यह घटना जो है लगभग 5:50 की है जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म में एंटर हो रही थी। All right, my colleague Rajesh Vishkarma, who is joining us on the broadcast, comes live from Jabalpur in Madhya Pradesh. Very good morning to you, Rajesh. जिस तरीके से देखा जा रहा है ये ट्रेन डीरेलमेंट की वजह से, अब जो स्थिति है ग्राउंड पर वो कितनी गंभीर है, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, और अभी जो ऑफिशियल्स दौरा कर रहे हैं, जो स्पॉट पे आए हैं, संज्ञान ले रहे हैं, उनका क्या कहना है? बिल्कुल शिमला, देखिए हम उसी तक जगह पर मौजूद है और सुबह 5:50 एक्सप्रेस जो की इंदौर से चलकर जबलपुर आती है और मुख्य स्टेशन पर जब ये पहुंच रही थी उसी वक्त जो दो डिब्बे हैं वो ट्रेन के डीरेल हुए। हालांकि उस समय जो ट्रेन की स्पीड है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे थी और यही वजह की थी कि किसी प्रकार का बड़ा हादसा नहीं हुआ, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जो ट्रेन है वो ट्रेन में यात्रियों में अफरा तफरी मची थी, लेकिन तुरंत जो है वो रेलवे का स्टाफ, रेलवे विभाग के बड़े अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच गए थे और तमाम प्रयास यहाँ पर जो रेल यातायात है उसको दुरुस्त करने के किए जा रहे हैं। जो ट्रैक के डिब्बे हैं उनको हटाया जाना है। क्या वजह थी, किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, क्या किस तरीके से ये पूरी किस गड़बड़ी थी या किस तरीके से था, इसकी जांच अब कहीं ना कहीं रेलवे विभाग कर रहा है। जबलपुर स्टेशन के पास का ये दूसरा पुल है जहां पे ये पूरा हादसा हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं लगातार जो डिब्बे हैं उनको सही करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, उनको यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है और रेलवे के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तमाम प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं और अगर बात की जाए तो लगातार जो तमाम प्रयास हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं और अगर आप देख सकते हैं रेलवे की तमाम टीमें जो है वो यहाँ पर जुटी हुई है। तो मेरे 5:50 का ये पूरा हादसा है और दो जो एसी के डिब्बे हैं ओवरनाइट एक्सप्रेस के, ओवरनाइट एक्सप्रेस इंदौर से चली थी जबलपुर के लिए, जबलपुर मुख्य स्टेशन इसे पहुंचना था और स्टेशन मुख्य स्टेशन से लगभग 500 मीटर की दूरी होगी ये जब ये पूरा हादसा हुआ और जो ट्रेन है वो स्टेशन पहुंचने के पहले डिब्बे जो है वो डीरेल हुए हैं। और अगर बात की जाए आप देख सकते हैं कि तमाम प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं और जो ट्रैक है वो सही हो सके, यातायात दुरुस्त हो सके रेलवे का। अभी जो ट्रेनें यहाँ से गुजारी जा रही है वो उनकी रफ्तार धीमी है, तब जो रेलवे का यातायात है उस पर असर ना पड़े, इस बात का प्रयास जो है रेलवे विभाग कर रहा है। तमाम टीमें यहाँ पर जुटी हुई है। हादसे के क्या कारण थे, किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, किस तरीके से ये पूरे दो डिब्बे जो डीरेल हुए हैं उनकी वजह क्या थी, ये रेलवे विभाग की जब जांच पूरी होगी तब ये पूरा सामने आएगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.